वाराणसी जी एक धार्मिक स्थल है, धार्मिक जगह है, बड़ी फेमस जगह है। तो देखते हैं पाकिस्तानी भाई का व्लॉग है और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। आज मुझे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं इंडिया आए हुए हैं और फाइनली आई एम इन वाराणसी। जब मैं अपना इंडिया का ट्रैवल प्लान कर रहा था ना, तो जो सबसे खास सबसे इंटरेस्टिंग जगह थी मेरे लिए वो थी वाराणसी। उसकी मेन वजह ये थी कि यहाँ पे आपको हिंदुइज्म का कल्चर काफ़ी बोल्ड नज़र आता है। वैसे तो आपको पूरे इंडिया में हिंदुओं का कल्चर मिल जाता है, लेकिन ये जगह काफ़ी ख़ास है। वाराणसी को स्पिरिचुअल कैपिटल समझा जाता है। एक तो यहाँ से गंगा रिवर गुजरता है जो कि होली रिवर कंसिडर किया जाता है, और उसके अलावा जो हिंदू लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी का जो आखिरी हिस्सा है वो इस सिटी में गुजारा जाए और इसी जगह पे उनकी वफ़ात हो। इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी बड़ा शमशान घाट भी बनाया हुआ है। अच्छा, ये ना शमशान घाट है, ये सारी ना लाइन में डेड बॉडीज रखी हुई हैं। ये सारी डेड बॉडीज़ को ना यहाँ पर बारी बारी जलाएंगे, उनको जो बाकी की अस्थियाँ और जो हड्डियाँ होती हैं उनको फिर यहाँ पर साथ ही गंगा है उसमें बहा देते हैं। और एक और बड़ा ख़ास इवेंट यहाँ पर होता है वो है गंगा की आरती, क्योंकि हर रोज़ शाम को यहाँ पे गंगा के सामने उतारी जाती है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि ख़ुद भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करूँ और आप लोगों से भी सारा कुछ शेयर करूँ। डेफिनेटली आई एम नॉट रियली एक्सपर्ट इन हिंदुइज़्म या उनके कल्चर के बारे में या उनके रिलीजन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए रिलीजन के बारे में तो मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकूँगा। बट डेफिनेटली आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस फॉर द होल डे। और उसके अलावा डेफिनेटली कुछ खाने भी मशहूर हैं यहाँ के, तो वो खाने भी ट्राई किए जाएंगे। इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग खुद शिवजी ने बनारस की स्थापना की थी और ये जगह लगभग 5000 साल पुरानी है। बनारस पहुँचते ही आप दो चीज़ों को तुरंत नोटिस करोगे। पहली चीज़ है स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ हिंदू धर्म की ही नहीं बल्कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज़्म से रिलेटेड स्पिरिचुअल मॉन्यूमेंट्स, स्पिरिचुअल जगह। और दूसरी चीज़ उसी स्पिरिचुअलिटी की देन है यहाँ के संतुष्ट लोग। दुकान पर नाश्ता कर रहा था, काशी चाट वाला काफ़ी मशहूर है, ताज़ी दुकान है, और एक दीना चाट वाला। वो बताते हैं कि 60-70 सालों से इनकी दुकानें हैं यहाँ पे। चाट क्यों काफ़ी मशहूर है बनारस की, लेकिन दोनों दुकानें बंद हैं, देर तक लगेंगी, तो उससे पहले कुछ और खा लेते हैं। ये है क्या चीज़? चौमी। चौमीन वो, ये तो चाइनीज़ है ना। ये स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है टू बी ऑनेस्ट। मेन दुकानों के अलावा जो कि अभी बंद है, 1:30 बजे खुलेंगे, और भी जगह जगह लोगों ने रेहड़ियाँ लगाई हैं चाट की। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल इन दिस एरिया। पहले वो देख लेते हैं, तब तक हमारा काशी चाट वाला भी खुल जाएगा, वहाँ पर आगे तो चाट खाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि आप बनारस आए हो तो आपको काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, काल भैरव मंदिर विज़िट करना चाहिए और ऐसे ही जितने पुराने मंदिर हैं उनके दर्शन भी करने चाहिए। दोस्तों, इस यात्रा में तो हम काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं देख सके क्योंकि वहाँ मुस्लिम्स अलाउड नहीं है। अच्छा, बहुत से छोटे छोटे मसलों के साथ जो एक मेन मसला था ना, वो ये कि मेरा नाम मुस्लिम है, तो कह रही हूँ यू हैव मुस्लिम नेम, अगर आप मुस्लिम देन यू कैनॉट गो। अरे, इस मंदिर में मुसलमानों का दाखला मना है, तो सही ये वाला पॉइंट तो चेक नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ना घाट है जहाँ पे गंगा में लोग नहाते हैं, वहाँ भी कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज हो रही होती हैं, तो उस जगह को जाके देखते हैं।
एज आई सेड अर्लियर के वाराणसी के बीच में से गंगा रिवर गुजरता है जो कि होली रिवर है। तो अगर आप इस रिवर पे जाते हो तो आपको जगह जगह घाट बने नजर आते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि घाट होता क्या है, ये स्टेयरवेज होती हैं जिन पे चल के आप पानी के अंदर जा सकते हैं। तो इस जगह पे वाराणसी में 84 घाट बने हुए हैं, मतलब 84 रास्ते गंगा के बीच में जाने के लिए, जिनमें से 82 रास्ते तो इस्तेमाल होते हैं पानी के अंदर जाके नहाने के लिए, डुबकियां लगाने के लिए, पवित्र होने के लिए, और जो बाकी यहाँ पे पूजा या सेरेमनीज होती हैं उनके लिए। लेकिन 2 घाट यहाँ पे ऐसे हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं अस्थियां बहाने के लिए। गंगा इंडिया का सबसे बड़ा दरिया है जो वेस्टर्न हिमालय से शुरू होता है और पूरा इंडिया क्रॉस करके बंगाल के इलाके में इंडिया ओशन में चला जाता है। क्योंकि ये दरिया पूरे इंडिया से गुजरता है तो जगह जगह इस दरिया के किनारे पे शहर बने हुए हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं, और देखने में यही आता है कि जो फैक्ट्रीज का या शहरों का जो वेस्ट है वो इसी दरिया में जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना यह है कि ये पानी पवित्र है, इसमें ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं और इस पानी में बैक्टीरिया ज़िंदा नहीं रह सकता, इसी वजह से लोग यहाँ पे आकर नहाते हैं, इवन कि इस पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, किसी भी इलाके का जो कल्चर होता है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, या तो आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं या देख सकते हैं। देखने के बाद भी आपको एक्चुअली एक्सपीरियंस करना पड़ता है, तभी आप उस कल्चर को समझते हैं। मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है एक्सप्लेन करना, लेकिन यहाँ पर आप जहाँ भी चल रहे हैं गंगा के साथ साथ, सारी जो हिंदुज़म की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी यहाँ पर चल रही हैं, लोग गंगा में नहा रहे हैं। यहाँ पे पीछे जगह जगह जो इनके पंडित होते हैं वो, या जो डिवोटीज़ होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी डिवोट की होती है रिलीजन के लिए, तो सारे लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ अगली साइड पे ना, यहाँ पे शमशान घाट है जहाँ पे ये डेड बॉडीज़ को बर्न करते हैं ना मरने के बाद, वो इधर पास ही है, मैं दिखाता हूँ आपको जाकर। ये ना शमशान घाट है, ये सारी ना लाइन में डेड बॉडीज रखी हुई हैं, ये सारी डेड बॉडीज़ को ना यहाँ पे बारी बारी जलाएंगे, फिर जो बाकी की अस्थियाँ और जो हड्डियाँ होती हैं उनको फिर यहाँ पे साथ ही गंगा है उसमें बहा देते हैं। तो ये है मणिकर्णिका घाट, जहाँ की चिता की आग कभी नहीं बुझती। ये डेड बॉडी है, इसको भी जलाएंगे। आप दिन में या रात में कभी भी आओ, यहाँ आपको एक ना एक चिता जलती ही मिलेगी, किसी ना किसी का दाह संस्कार होता मिलेगा। अगर किसी को ज़िंदगी की हकीकत से रूबरू होना है तो कुछ क्षण यहाँ व्यतीत करें, आपको पता चलेगा कि लोग किस तरह से मोह माया से भरे शरीर से मुक्त होते हैं। डेड बॉडी है जिसको ये हिला रहा है, हड्डियाँ वगैरह उसके तोड़ रही हैं, अच्छी तरह बर्न हो जाए, चलते हैं यहाँ से। बस इतनी सी हिम्मत थी, बहुत मुश्किल है। जो एक बिलीव है ना वाराणसी के बारे में, मुझे है कि जो भी बंदा यहाँ पे मरता है इस सिटी के अंदर, बख्शा जाता है उसको, सारे गुनाह बख्शे जाते हैं। कहा जाता है कि अगर आप ज़िंदगी के अंत में यहाँ आकर सांस लेते हो तो स्वर्गवास होता है। अगर आपको बनारस के जादू का एक्सपीरियंस करना है तो आपको स्वयं यहाँ बनारस में पधारना होगा। अक्सर बुजुर्ग जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी महीने होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इस इलाके में गुजरें। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जहाँ पे आया हुआ है गंगा की आरती, क्योंकि वो शाम को उतारी जाती है और हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है तो तब तक जाकर कुछ खाने ट्राई करते हैं और फिर शाम को यहाँ पे वापस आके गंगा की आरती देखेंगे। अंदरून बनारस में ना एक दही वाली लस्सी वाली शॉप है, ब्लू लस्सी, वो काफ़ी मशहूर है यहाँ पे, इस पर लस्सी ट्राई कर लें, बाकी देखते हैं कि और आज क्या हमने करना है। अच्छा, ये पूरी किताब है ना, ये सारी लस्सी की किस्में हैं, डिफरेंट फ्रूट्स के साथ डिफरेंट पता नहीं क्या कुछ है इंग्रेडिएंट्स, ज़ाफ़रान ड्राई फ्रूट, ये मैंगो मैंगो वाली बिल्कुल रहने दें, ये वाली ट्राई कर लेते हैं। लस्सी कम लग रही है, कुछ स्वीटिश ज़्यादा लग रही है। अच्छा, जितनी उसके बाद ना लस्सी की वैरायटी थी, इतना तो जो रेस्टोरेंट पे मेन्यू होते हैं ना उसमें खाने नहीं होते,
हमने मंगवाई थी ज़ाफ़रान वाले और उसके अंदर ड्राई फ्रूट मिक्स किए हुए थे, बट अमेजिंग। अभी यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं या तो चाट खाए जो हम सुबह खाने गए थे तो हमें नहीं थी मिले। बहुत रश है जी, बहुत। और एक्चुअली जिस जगह मैं आया हूँ ना वहाँ मुझे लग रहा है कि लंबी लाइनें लगी हुई हैं चाट के लिए, तो सारी दुनिया बैठ के खा रही है। चले देखते हैं हमारा नंबर कब लगता है। पापड़ी चाट एक, चाहिए जी पापड़ी चाट। जो सारी दुनिया यहाँ पे आई हुई है ना चाट खानी है, सारी लेने उसी की लग गई है। भैया आप कहाँ से हो? लोकल हो? तो यही है एक मशहूर चाट वाला, यहाँ पे और भी है, मेन यही है ना। मुझे भी गूगल से यही मिला था तो मैं भी फिर इधर ही आया हूँ। आके 12 बजे आया था, बंद थी, मैं अगर दोबारा ट्राई करता हूँ जाकर। बहरहाल अगर तो बनारस आते हैं और अगर आपने चाट मिस कर दी तो मेरे ख्याल से आपने काफ़ी कुछ मिस कर दिया। अच्छा ये मेन्यू है इनके पास, काफ़ी और किस्म की भी हैं। पापड़ी चाट तो मैंने वैसे इन भाइयों को देख के खरीदी थी, मुझे तो पता भी नहीं था मैंने कौन सी ऑर्डर करनी है, लेकिन वो ऑर्डर कर रहे थे मैंने कहा अच्छी होगी। बाकी और भी उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट लिखी हुई है इन चाट की। टमाटो चाट आपकी वजह से मैं पापड़ी खा रहा हूँ। अच्छा मैं देखता हूँ टमाटर चाट। चले मैं वापिस आता हूँ दोबारा। और यहाँ पे क्या कुछ खाने वाला है बनारस में? पान भी है। हाँ पान तो यहाँ करीब ही आ गया ना। हाँ ये मैं अभी खा के जाऊँगा इसके बाद। और यहाँ पे कुछ और भी मिलता है सरदाई या क्या उसको, ठंडी क्या उसको कहते हैं? ठंडाई, वो लस्सी को ठंडाई बोलते हैं। बंग अच्छा वो तो रहने देते। लस्सी मैंने ट्राई कर लिया, वो मैंने पी है, वो अच्छी थी, शुक्रिया। चाट को तो 10/10। अभी चाट वाले कहना बिल्कुल साथ है पान वाला, कुबर पान बन। ये भी काफ़ी पुराना है वैसे, नेटवर्क नहीं लिखा हुआ, 60-70-80 साल कुछ ऐसे करके। और अब बनारस आते और पान नहीं खाते फिर तो फ़ायदा नहीं है बनारस आने का। अंकल पान की किस्में हैं यहाँ पे या क्या सूरत हाल है? पान मीठे पान डिफरेंट किस्म के हैं या एक ही है सारे? मुझे पढ़नी नहीं आती, हिंदी नहीं पढ़नी आती, उसको बोलना नहीं आता, मुँह में पान लिया हुआ है। अच्छा आपको पता है क्या? अच्छा पान मीठा पान कौन सा यहाँ पे? ये नौरतन मीठा पान है, वो केसरिया मीठा पान है। अच्छा कौन सा है? मुझे डबल डबल फ्लेवर होता है नौरतन मीठा पान। अच्छा इसको एक दो बार बाइट करिए, साइड में रख लीजिए, अपने आप धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा। नौरत कौन सा वाला? नौरतन मीठा पान। अच्छा अच्छा धन्यवाद। बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था, पान नहीं खाया जा रहा था। उसको कहते हैं नौ रतन पान, कह रहा मैं चबाना नहीं है, मुंह में रख लिया ना आधे घंटे में खुद ही घुल जाएगा। अमेजिंग, मतलब अगर आप बनारस आते हो और बनारस का पान नहीं खाते तो फिर क्या खाया आपने यहाँ? अगला लेना ना हुआ मशरामू ठंडाई, पर ठंडाई यहाँ से मिलती है, वैसे बता रहे भंग होती है ठंडाई, लेकिन देखते हैं शायद कुछ और भी होता हो ठंडाई भंग के बगैर। ये भी हाल ही रिकमेंड की गई थी, बनारस आकर ठंडाई जरूर पीनी है, भंग हुई फिर तो नहीं पीऊँगा आपको। अच्छा सामने था लिखा सिर्फ इन्होंने उसमें हुआ है हिंदी में, अरे 1924 से ये ठंडाई बना रहे हैं। ये भंग होती है या ठंडाई क्या चीज़ है? ये शादी करती है, शादी से भांग मिलती है। भांग के बगैर है ये? हाँ भांग के बगैर है, ये प्लेन रहती है, आप भांग डिमांड करेंगे तो। मेरी डिमांड नहीं करनी, इसके बगैर चाहिए। नहीं नहीं आप शादी चाहिए, शादी में कौन सा अच्छा यहाँ का फ्लेवर? सभी अच्छे हैं। बनारसी बनारसी बना दें, एक बना दें। अमेजिंग, ये जो दुकान थी ना ये मुझे इंटरनेट पर किसी ने रेफर की थी, और अब तकरीबन 100 साल होने वाले हैं इस शॉप को। अमेजिंग है इसकी ठंडाई, मतलब कुछ ना जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको मिक्स करके दूध के अंदर बनाई जाती है, तो उसके ऊपर डाली हुई है मलाई, एक तो वैसे हेल्थी और जो टेस्ट है अमेजिंग। अभी जो आखिरी एक्टिविटी है ना आज की, वो ये है कि यहाँ पर होती है गंगा की आरती, मतलब जहाँ पे आज गंगा दरिया के पास फिर रहे थे ना, उस दरिया के पास किसी मंदिर के सामने ये आरती उतारते हैं, वो भी जाके भाई ने ना ब्लॉग बनाने वाली को ना खीर कर दी, ऐसी बात है जी। हर एक चीज दिखाई और काफी बारीकी के साथ दिखाई ये चीजें, और
जितना बताया मैंने ये तो भाई हमने भी सुना था, लेकिन ये आरती जो है ना पहली दफा देखी है कि गंगा की जो है आरती उतारते हैं शाम के टाइम पे, और कितनी डेली। और भाई यहाँ पे तो एक धार्मिक प्लेस जगह है भाई, लोग जो हैं वो जो जिस तरह बता रहे थे भाई के जब एज हो जाती है काफी ज्यादा तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पर जाके उनकी डेथ हो, हम तो हमारा तो ये मानना है कि जो अच्छे कर्म करेगा वही जाके भाई तो अलग बात है वही जन्नत में जाएगा। लेकिन इस्लाम ने कहा है ना, क्या कहा है कि वो ज्यादा रिस्पेक्टेड जगह है, अमन वाली जगह है, लेकिन भाई साहब अपने अमलों के साथ बिल्कुल हम उस बात से एग्री करते हैं, लेकिन कहा तो गया है ना कि हाँ, तो के अमल अच्छे हैं उनको जगह भी तो दूसरी दुनिया की निस्बत वो जगह ज्यादा रिस्पेक्टेड है मुसलमानों के लिए। तो ये भाई वाराणसी भी सेम उसी तरह ही है जिस तरह मुसलमानों के लिए वो खाना काबा है, और शहर जो है काफी पुराना है, 5000 साल पुराना शहर बोल रहे थे, और शहर की जो गलियां थी वो छोटी छोटी गलियां, यहाँ पे जो अक्सर लाहौर में जाए ना, लाहौर में जाए या मुल्तान वाली साइड पर, पिशावर वाली साइड पे, उधर उधर जो है जंग वाली साइड पर जाओ ना, तो वहां पर भी वहां पर भी इस तरह की छोटी छोटी गलियां, और जो है वो उस वक्त के भी पक्के मकान थे, मकान पक्के और उनकी नक्काशी बड़ी कमाल की हुई थी और चौड़ी दीवारें, ये भी दिख रहा था गलियां तंग थी लेकिन मकान, लेकिन पुराना स्ट्रक्चर था। हाँ। और ये भाई साहब मैं कहता हूँ जो पुराने मिस्त्री थे कमाल थे भाई, बिल्कुल बने हुए ढांचे आज भी खड़े हैं, सैकड़ों साल गुजर गए, आजकल का देखो जाए तो ज्यादा से ज्यादा 50 गया था ना किसी काम से ज्यादा जाकर, इतनी चौड़ाई के अंदर वो दीवार थी उनके, हाँ तो फिर उसको किस चीज ने ऊपर उन्होंने ना वो ना वो पानी का खजूर है, खजूर उसका वो वाले डाले हुए थे शाखें, उस शाखें खजूर की शाखें, खजूर वो जो गार्डन मुकम्मल तना खजूर का, तो वो लचक नहीं होती इसमें, पुराना थी वो, काफी पुरानी थी वो वाली बिल्डिंग, फिर ज्यादा मकदार में डालेंगे क्योंकि वो इतना अगर ये बंदा तोड़ के नए भी बना ले तो ये मैं कहता हूँ ये पुरानी ज्यादा इम्पोर्टेंस मजबूत ही इम्पोर्टेंस बंदा रखते, बंदा जब देखता है ना, एक बंदा जब आता है नया तो देखता है भाई आज के दौर में भी वो पुरानी बिल्डिंगे हैं जिंदा रहता है ना, वो कल्चर जो है वो जिंदा रहता है इसे। लाहौर में बहुत सारी है, पिशावर में बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, और मैंने देखी थी वहां पे भाई साहब जो लकड़ी की जो इतनी खिड़कियां बनी है और उनकी नकाशी बड़ी कमाल की, दरवाजों के ऊपर इस तरह बारीकी के साथ नकाशी हुई ना कमाल है। और भाई वाराणसी में जो दिखाया गया वहां की जो लस्सी दिखाई गई वो भाई बड़ी फेमस थी, और बनारस का जो लस्सी का तो नाम ही दिया गया है उसको तो फ्रूट चाट ही कह देते हैं, बहुत अच्छा था। हाँ सही बात है, फ्रूट जो है वो ड्राई फ्रूट जो काफी डाले हुए थे, और माहौल भाई ने बड़ा कमाल का दिखाया, वहाँ के जो कल्चर है वहाँ की जो कश्तियां बना रहे थे सारी हर एक चीज को उन्होंने दिखाया, और वो जो गंगा के साथ साथ भाई साहब एरिया था कितना रश था वहाँ पे, बिल्कुल तो ये भी भाई साहब देखा जाए तो एक हैरानगी वाली बात है कि इतनी लाशें जहाँ पर जलाई जा रही हैं और वहाँ पे वो लाशें भी बाई जा रही हैं और फैक्ट्रियां मिले उनका जो है वो तो अलग ही है सिस्टम, वो भी सारा वेस्ट इसी में जा रहा है ना, इसी में जा रहा है यार, ये नदी कौन सी छोटी है पूरे इंडिया से, लेकिन मौसम साहब आलूदगी तो हो रही है, आलूदगी है तो लेकिन दिख भी रही थी वीडियो के, आलूदगी है लेकिन फिर भी नदियों का गंदा पानी केमिकल वो दिखा रहे थे, लेकिन फिर भी गंगा ये कहते हैं एक्सपेरिमेंट किया गया है यहाँ के बैक्टीरिया मर जाते हैं पानी, तो लोग इस पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और एक भाई मेरी भाई से बात हो रही थी वो बोल रहे थे कि ये पानी की क्वालिटी है
कि इसको पानी में मतलब बोतल में भर के रख लेना। अच्छा। तो जो नेस्ले वाला ये होता है ना मिनरल वाटर, उस वो स्मेल देना शुरू हो जाएगा। ये स्मेल नहीं है तो कुदरती तौर पर फिर ऐसा है। अभी भाई किसी भाई ने एक्सपीरियंस किया तो जरूर बताएगा। इंडिया इस्तेमाल करता है कौन सा? चलो एक आधे बंदे की बात तुम थोड़ा सा डाउट होता है, बोलो इंडिया इस तरह करता है तो देख ले, देखा मैं कितना ज्यादा रश था भाई। अपनी बात करें तो भाई साहब एक बंदे के वो माइंड सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि जहाँ पे लाशें जो वो उनकी अस्थियां जो वो बहाई जा रही है वो बंदा वहां पर नहा रहा हो तो एक अजीब सा फील आता है। लेकिन वहां पे भाई हमने देखा लोग जो है वो नहा भी रहे थे और साथ में दूर पास में ही था, इतना कौन सा दूर था। लेकिन जगह तो अलग बिल्कुल जगह जगह अलहदा रहता और बड़ा ही भाई साहब विशाल था ये जो एरिया था और लोगों की कश्तियां कितनी 82 बता रहे थे जगह 88 सवाल ये है कि भाई वाराणसी में तो इतनी ज्यादा वो गंगा किनारे जो है वो जो लाशें लाई गई हैं इतनी ज्यादा भाई साहब कह रहे थे कि ये आग दूर दूर से भी लोग जो है वो आते होंगे शहर में जो भी मतलब फौजी है वो इधर ही लेकर आते हैं। दूसरे शहरों से भी शायद आते हों क्योंकि वो एक मुकद्दस जगह समझी जाती है इस लिहाज से। जिनकी पहुंच होती वो भाई साहब वही भाई साहब कह रहे थे ना कि 24 घंटे ये आग जो बुझती नहीं। तारक भाई तो बोलता है नया सिस्टम लगा उसके अंदर वो डाल देते हैं लाश को जब लकड़ियां जलाना बिजली वाला सिस्टम भाई ये इससे माहौल तो अद्भुत होता है। वो बिजली में थोड़े टाइम में वो क्लियर हो जाता है तो जरूर बताएगा भाई कमेंट सेक्शन में। और ये बिजली वाला सिस्टम सही है या लकड़ियां वाला? कोशिश तो वो कहते हैं वो ना पुरानी मूवीज में देखते थे धर्म के हिसाब से कहते थे कि चंदन की लकड़ियां इस्तेमाल करना। चंदन की लकड़ियां तो भाई अभी वो पुष्पा मूवी जब देखी उसकी थोड़ी सी तो उससे पता चलता है कि चंदन की लकड़ी जो वो कितनी महंगी है तो वो तो भाई अभी इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो चुका है और वैसे भी वो कम हो गई लकड़ियां भी। तो ये भाई भाई ने बड़े ही कमाल का व्लॉग बनाया और एक धार्मिक जो एक टच नजर आया ना इसमें वो बहुत ज्यादा था। ये लोगों के सर जो है वो मुंडे जा रहे थे और कुछ लोग तो भाई साहब वो बिल्कुल व्हाइट सब कहीं कहीं पर ना यकसानियत तो आती है भाई। तो हमारे मुसलमान जो हज करने जाते हैं वो भी अपना सर लगाते हैं वहां पर यहाँ पर भी ये असल में पता क्या जो धर्म है ना सही मेन जो धर्म है ना वो चीज एक ही सिखाता है लेकिन वो आगे आके ना वो चेंजिंग होने से ना वो काफी खराबियां आ जाती हैं। किसी ने किताबों में चेंजिंग कर दी लोगों की अपनी दुकानदारियां बीच में शुरू हाँ उसी वजह से आ जाती हैं वरना जो धर्म है ना वो पैदा करने वाला तो भाई एक ही जात है। सही बात है आपको भी उसी ने पैदा किया हमें भी उसी ने पैदा किया बेशक। तो बाकी भाई अपने अपनी दूसरी पता है बंदे का जिस आपका अपना है हमारा अपना है। लेकिन भाई वाराणसी बहुत अच्छा लगा देख के और एक ना इसे आप हुजूम वाली रश वाली जगह कह सकते हैं 2400 घंटे रश वाली जगह जो है ना वो कह सकते हैं। और भाई वहाँ पे खाने पीने की जो चीजें थी वो भी कमाल थी और हमारा भी आई थिंक कि जब हम आई विश के हम जब जाएंगे तो ये ना स्ट्रीट फूड जो है ना चीजें ज्यादा एक लस्सी ठंडाई पापड़ी वाला चाट और चौथा पान चार हो गए पान। वैसे ना यकीन माने जितने भी मैंने ब्लॉगर देखे ना दूसरे शहर कंट्री से आते हैं या जो भी जाता है स्ट्रीट फूड भाई इंडिया के कमाल की यकीन माने बंदे देखते ही मुंह में पानी आए। तो ठीक है भाई बड़ा मजा आया देख के ब्लॉग और अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में और वो भाई साहब जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में कि जब ये पानी जो है इतना कुछ होने के बावजूद भी साफ कैसे रहता है जरूर बताएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज़।